आलिया भड़काएगी प्राची के खिलाफ रिया को और रिया आ जाएगी आलिया के भड़कावे पर और लेगी अपने पापा अभी का बदला प्रज्ञा से। लेकिन रिया को लगेगा एक बड़ा झटका जिससे हिल जाएगी रिया और होगा अतीत के एक बड़े राज का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जब प्रज्ञा का ऑफिस का टाइम होगा तब प्रज्ञा ऑफिस में जाएगी और तभी प्रज्ञा के ऑफिस में जाने के बाद तनु आलिया मिलकर एक सबसे बड़ी चाल चलेंगे जहाँ पर रिया को प्रज्ञा के खिलाफ भड़काने के लिए आलिया रिया को प्रज्ञा के खिलाफ भड़काती हुई फोन पर कहेगी कि प्रज्ञा ने तुम्हारे पापा को जान से मारने की कोशिश की थी और उसने तुम्हारे पापा को सीढ़ियों से धक्का मार दिया था, जिसे सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जब ये आलिया रिया को कह रही होगी तभी रिया के सामने मार्केट में अभी प्रज्ञा की कार में से छाता लेकर प्रज्ञा को बारिश में प्रज्ञा के सर पर छाता रख के और कार का दरवाजा खोल के प्रज्ञा को कार में बिठाएगा, जिसके बाद अभी खुद बैठ जाएगा और ये देखकर रिया को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन रिया को विश्वास नहीं होगा कि उसकी माँ प्रज्ञा उसके पापा अभी को जान से मारना चाहती है। लेकिन आलिया की बातों में आकर रिया प्रज्ञा के खिलाफ हो जाएगी, जिस वजह से प्रज्ञा के लिए रिया के मन में जो भी प्यार था वो सारा का सारा प्यार रिया के दिलों से खत्म हो जाएगा और यही रिया के दिल में प्रज्ञा के लिए सारा प्यार खत्म करने के लिए आलिया का मकसद होगा। लेकिन जब प्रज्ञा अभी को लेकर ऑफिस जाएगा तब प्रज्ञा को काफी बड़ा शौक लगेगा जब अभी दारू पीने के लिए प्रज्ञा को चैलेंज करेगा और प्रज्ञा ने अभी को दारू ना देने की वजह से अभी प्रज्ञा को गुस्से से कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं दारू नहीं पी सकता, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अभी भी कमा सकता हूँ और तुम मुझे दारू पीने से रोक नहीं पाओगी क्योंकि मैं अपनी कमाई से दारू पीऊंगा और मेरे पैसों से दारू बॉटल खरीदूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। ये सुनकर प्रज्ञा को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रज्ञा अभी का मजाक बनाकर हंसती हुई कहेगी कि कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे आएंगे तब आप दारू पी लेना, जिसे सुनकर अभी को काफी बड़ा शौक लगेगा क्योंकि अभी को पता होगा कि उसकी सैलरी एक महीने बाद आएगी, जिस वजह से प्रज्ञा इसी एक महीने के बीच का फायदा उठाने के लिए अभी को एक महीने तक दारू ना देने के लिए फैसला ठान लेगी और अभी को दारू पीने से सख्त इनकार कर देगी। लेकिन सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि रिया रणबीर को बैंगलोर ले जाने के लिए अपनी चाल में कामयाब हो जाने की वजह से आने वाले एपिसोड में रणबीर पल्लवी के कहने के अनुसार रिया के साथ बैंगलोर निकल जाएगा, जहाँ पर रिया कुछ ज्यादा ही रणबीर के साथ चिपकेगी, जिससे रणबीर को एहसास हो जाएगा कि ये पहले वाली रिया है। लेकिन रणबीर प्राची के लिए रिया से दूरियां बनाकर रखेगा और जब रणबीर बैंगलोर एयरपोर्ट पर रिया के साथ पहुंच जाएगा और सिद्धार्थ को एयरपोर्ट पर ढूंढ रहा होगा तभी रिया कैसे भी करके रणबीर को बैंगलोर में रहने के लिए कह देगी और उसकी दोस्त की शादी के बहाने रिया रणबीर को बैंगलोर में रुकने के लिए कह देगी, जहाँ पर रिया सिद्धार्थ के सामने एयरपोर्ट पर रणबीर को यहाँ बैंगलोर में ही रुक जाने के लिए मना लेगी, जिससे रणबीर बैंगलोर में ही रुक जाएगा। लेकिन रणबीर ये रिया पहले वाली ही रिया है ये बात प्राची को बताने के लिए जब फोन करेगा तब रिया वहाँ पर आ जाएगी और रणबीर प्राची को ये बात नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही चाल चल के रिया रणबीर को प्राची से हासिल करने में कामयाब हो गई और रणबीर प्राची दोनों अलग हो गए तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और रणबीर प्राची की जोड़ी अलग होगी या नहीं, आपको क्या लगता है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।